बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रब नवाज खान, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, पेन मैनेजमेंट, न्यूरोलॉजिकल रिहैब और स्पोर्ट्स इंजरी मैनेजमेंट मेरी स्पेशलाइजेशन है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। वो ये है कि अर्कोनिसा शियाटिका एक इशू है, बैक पेन। अर्कोनिसा उसको उर्दू में कहते हैं, शियाटिका उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, और उसके साथ कमर दर्द जो है एसोसिएटेड होता है। अब अमूमन देखने में ये आता है, हम अपनी प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि जब भी ये चीज़ होती है किसी को भी, तो चूँकि हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि हम चूँकि मशवरा हर बंदा हमें दे रहा होता है कि आप फलां हकीम के पास चले जाएं, फलां के पास चले जाएं, दम करवा लें, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे अहमियत रखती हैं, लेकिन अर्कोनिसा शियाटिका एक मेडिकल इशू है। और हमारे पास जब लोग आते हैं, एक साल बाद हमारे पास जब रिपोर्ट होते हैं, लेट एक्सपोज होते हैं हमारे पास, तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उससे पहले वो मुख्तलिफ हकीमों से इलाज करवा चुके होते हैं। कोई तीन दिन के दावे के इलाज के ऊपर कोई कर रहे होते हैं, और या कोई मोरे चढ़ाने वाले भी बहुत मशहूर हैं कि फलां जगह पर आप चले जाएँ, आपके मोरे चढ़ाए जाते हैं। कोई कहते हैं आपका मोरा उतर गया है, कोई कहते हैं कि आपका मोरा चढ़ गया है, तो खींचातानी बहुत की चीज़ों में चल रही होती है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं अर्कोनिसा वाले, जब हमारे पास एक साल बाद रिपोर्ट होते हैं और जब ये तमाम मराहल से गुजर चुके होते हैं, तो हम उनको किसी भी लेवल पे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अब एक सिंपल सा इशू है, कमर दर्द शुरू हो जाती है। कमर दर्द के साथ साथ पट्ठों में जब खिंचाव आता है, तो जो हमारी कमर के मोरे हैं उस पर तनाव सा डेवलप हो जाता है। तनाव के बाद क्या होता है कि जो हमारी ब्रांचेज, जो हमारी लिम्स की तरफ सप्लाई हो रही हैं, जो रगें, जो नसें हमारी टांगों को सप्लाई करती हैं, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। जब प्रेशर आता है तो एक मखसूस नर्व है, नस है, जिसको शियाटिक नस कहते हैं, शियाटिक नर्व कहते हैं, वो प्रेस हो जाती है। अब वो किस लेवल पे प्रेस हो रही है, मस्कुलर हो सकती है, डिस्क लेवल पे हो सकती है, मोरे के लेवल पे हो सकती है, ये तो हम MRI कराने के बाद, एक्सरे कराने के बाद हमें इस चीज़ का पता चलता है, और उसकी मैनेजमेंट फर्दर मेडिकल में मौजूद है। लेकिन लेट एक्सपोजर में कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि वो उससे पहले बहुत सारे तरीक़ों से गुजर चुके होते हैं, उन्होंने उस नर्व को, उस नस को इतना इन्फ्लेम किया होता है। कोई ये दावा करते हैं कि हम इसकी मालिश करते हैं, फलां किस्म का ऑयल है मार्केट में, ये चीज़ है, हम तीन दिन में दर्द ठीक कर लेंगे। जब वो मालिश कराते हैं तो भरपूर ज़ोर आजमाई के साथ होता क्या है कि नस जो है, जो नर्व है, वो मज़ीद इन्फ्लेम हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हम मोरा चढ़ाते हैं, तो लोग हमारे, चूँकि सोसाइटी में इतना लिटरेसी नहीं है, वहाँ चले जाते हैं लोग, और वो मोरा चढ़ाते चढ़ाते जो और बाकी जो नॉर्मल मोरे होते हैं वो भी डैमेज हो चुके होते हैं। तो एक तो मैं ये हाजरीन नाजरीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको कोई कमर दर्द का मसला हो, आप अपने करीब तरीन डॉक्टर, प्राइमरी फिजिशियन, आर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट से मशवरा करें। अगर आप हमारे नज़दीक हैं, हलीमा सराज हॉस्पिटल, सैदपुर रोड, रावलपिंडी, तो आप यहाँ पे आएँ, आप हमारे साथ मशवरा करें। हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं और उसका साइंटिफिकली हमारे पास इलाज मौजूद है, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट मौजूद है, जो हम आपको बिल्कुल आपके सामने चीज़ हो कि ये इशू है, ये आपकी रिपोर्ट्स के अंदर चीज़ें आ रही है और इसका ये ट्रीटमेंट है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मौजूद है। तो दूसरी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी अगर आपको किसी को इस तरह मसला है, जो यहाँ से बहुत दूर बैठे हैं, हमारा स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर भी मौजूद है, आप इस पर हमसे रابطہ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे पहलवान के पास ना जाएं जो आपका एक मोरा ठीक करने के बजाय आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को डैमेज करे, या कोई इस तरह का आपकी बीमारी को इस स्टेज पर ले जाए कि कल उसका इलाज भी मुमकिन ना हो। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब आपको कोई कमर दर्द हो, रेडिएट कर रहा हो पेन, आपकी लेग्स में जा रहा हो, तो आप अपने प्राइमरी फिजिशियन, आर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट से मशवरा करें और प्रॉपरली साइंटिफिकली इसका इलाज करवाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।